नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। आज सुबह करीब 6:30 के लगभग अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी। उपचार के लिए ले जाते समय मौत बताई गई। बताया जा रहा है कि ग्राम देवरा में रहने वाले नरेंद्र सिंह पुत्र जगन्नाथ रावत उम्र 58 वर्ष, जो कि सुबह 6:30 के लगभग करीब घूमकर घर की ओर जा रहे थे, तभी ग्वालियर से आ रही तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें नरेंद्र सिंह रावत बुरी तरह घायल हो गए, जिनको ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना थाना चिनोर को दी गई। उसके बाद थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव ने अज्ञात वाहन के नाम केस दर्ज कर लिया है और मृत नरेंद्र सिंह को पीएम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी शक्ति सिंह का कहना है कि छानबीन जारी है। छीमक से बीरेन पराशर की खास रिपोर्ट। आज सुबह अभी करीब 6:30 के आसपास सूचना मिली थी कि ग्राम देवरा के नरेंद्र सिंह रावत सुबह सुबह घूमने आ रहे थे अपने साथी छवि राज सिंह साहू के साथ। तो यहाँ से ग्वालियर तरफ से एक हुंडई वेन्यू कार का अज्ञात चालक चालक के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। वो उनमें टक्कर दे गया। टक्कर देने के कारण उनको यहाँ से तुरंत डबरा अस्पताल ले आया गया, जहाँ पर उन्होंने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पीएम कार्रवाई हेतु पुलिस को रवाना कर दिया गया। यहाँ पे आके निरीक्षण किया गया, गाड़ी अभी वहीं लगी हुई है। वाहन का चालक मौके से चला फरार हो गया। उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर कार्रवाई की जा रही है। सर, जो नरेंद्र सिंह उनकी मृत्यु हुई है, उनकी उम्र कितनी है? नरेंद्र सिंह रावत उम्र 58 वर्ष है, देवरा के रहने वाले हैं, ग्राम देवरा। पिताजी का नाम क्या है? जगन्नाथ सिंह रावत।